हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी। वो जानना चाहते हैं सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है। चलिए हम सर्कुलर रेफरेंस के बारे में जानते हैं। सर्कुलर रेफरेंस तब आता है जब हम फॉर्मूला को डिपेंडेंसी सेम डिपेंडेंसी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी है और यहाँ पे मेरे पास रेट है। अब मान लीजिए यहाँ पे कहना है बंदे का कि रेट डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, या क्वांटिटी डिपेंड करती है रेट पे। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि इफ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया कि इफ रेट इज ग्रेटर देन 100 देन क्वांटिटी इज 50 अदरवाइज क्वांटिटी इज 60। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि डी टू जो है, अगर 100 से ज्यादा है, मतलब रेट 100 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 50 आना चाहिए या 60 आना चाहिए। और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 60 आ रहा है, क्योंकि ए जो है 0 है। अब यहाँ पे भी वापस हमने दे दिया कि ये जो वैल्यू है 60 जो है, अगर वो क्वांटिटी जो है अगर ग्रेटर देन 50 हुई तो यहाँ पे 100 का प्राइस जाएगा, अदरवाइज इसमें 120 के प्राइस जाएगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। अब क्वांटिटी कहता है कि रेट के हिसाब से मैं अपना वैल्यू दूंगा, और रेट कहता है कि क्वांटिटी के हिसाब से वैल्यू दूंगा। एंटर मारते ही आपका सर्कुलर रेफरेंस कहा जाए, क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे पे डिपेंड हो गए कि पहला जो देगा सो दूसरा देगा। अब यहीं पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि सर्कुलर रेफरेंस में दिक्कत हो गया। अब इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? कोई और तरीका यूज करना होगा, कोई और तरीका, क्योंकि इसको डिलीट कर दिया। एक और सेल आपको चाहिए होगा जहां पे आप मैनुअली क्वांटिटी को लिखेंगे। तो यही चीज प्रॉब्लम होती है सर्कुलर रेफरेंस में, कि अगर दोनों सेल एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गए, या दो से ज्यादा हो। जैसे मैंने यहां पे कर्सर कर दिया, यहां पे लिख दिया कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 देन 120 अदरवाइज 100, 120 आ रहा है। अब यहां पे हम करते हैं कि इफ, अब इसको जो है अब इसका जो है इसको हम इससे सेलेक्ट कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर भी सर्कुलर रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि ए इससे डिपेंडेंट है और ई इससे डिपेंडेंट है, और ये जो मतलब कि सी जो है डी से डिपेंडेंट है और डी जो है एफ से डिपेंडेंट है, एफ जो है वो सी से डिपेंडेंट है। तो एक सर्कुलर बन जा रहा है। जब सर्कुलर बनेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ये थी सर्कुलर रेफरेंस। बाकी पूरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च कीजिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।